मेरा नाम लिता है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 16 साल की हूँ। मेरे स्कूल का नाम राव बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरी सिटी का नाम है रेवाड़ी। मेरे पिताजी का नाम है राजू सिंह। मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। मैं उनकी जॉब गार्ड की है। मेरी जो माता जी हैं वह हाउस वाइफ हैं। माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग, स्टडी और मेरे को कुत्ते के साथ खेलना ही बहुत अच्छा लगता है। मैं हर स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ और जब भी मैं कोई प्राइज जीत के लाती हूँ तो मेरे घर वाले मेरे को बहुत सारी खुशी होती है मुझे, और मेरे घर वाले मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो मेरे साथ हमेशा कहते हैं कि बेटा हमेशा आगे जाओ और आगे बढ़ो और अपने नाम रोशन करो और कुछ अपने लिए करो और मैं हमारे लिए भी करो। मेरे को डांसिंग में बहुत पसंद है और मैं डांस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मेरे को क्या कहते हैं, स्कूल में डांसिंग में फर्स्ट प्राइज भी मिला था। मैं स्कूल में घर से खुद ही करती हूँ और हमेशा खुद ही करती हूँ और अपने भाई बहनों को उनको भी सिखाती हूँ। हम 5 बहनें हैं और हमारा छोटा सा एक भाई है, वो भी बहुत प्यारा सा है और वो अभी काफ़ी टाइम बाद हुआ है तो हम सारे मिलके रहते हैं, घर में सब खेलते हैं। और क्या कहते हैं, मेरा एक जो हमारा एक डॉगी भी है उसका नाम जोनी है, वो भी हमारे साथ खेलता है और खूब उसके साथ मैं मस्ती करती हूँ। मेरा नाम राजू सिंह है। मैं प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक में गनमैन की जॉब करता हूँ। मेरे 5 बेटी 1 बेटा है। मेरी बेटी सेकंड नंबर ललिता कुमारी है। किस में कितना दम है उसमें उसका सिलेक्शन हो चुका है और ग्रैंड फाइनल में पहुँच चुकी है। हम तो भगवान से उसकी यही प्रार्थना करते हैं भाई उसमें भी उसको जीत के आए और भी आगे तक पहुँचे। हमारी ललिता डांस के प्रति बहुत वो है, म्यूजिक चलते ही हाथ पैर हिलाने लग जाती है, नाचती है, डांस करती है। कहीं शादी प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ भी बढ़ चढ़ के भाग लेती है और सारे बहन भाई इकट्ठे बैठ के खेलते हैं, एक दूसरे का काम भी करवाते हैं, बड़े वाले छोटे वाले बच्चों का काम करवाती हैं और बेटी का डांस देख के हमें बहुत खुशी होती है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आगे तक पहुँचे हो और जीत कर आए और मेरे परिवार और अपने स्कूल का नाम रोशन करे और रेवाड़ी सिटी का भी। और मैं तो किसमें कितना अदम इनका भी बड़ा तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। उसने आज मेरी बेटी को इतना मकाम पर पहुँचा दिया, उनने बहुत ही बढ़िया काम किया। उन नर्यादी मेरे से स्कूल में आए थे, वे बच्ची का सिलेक्शन होया, बहादुरगढ़ गई, झज्जर गई, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ और अच्छी अच्छी बातें बताई और आगे तक पहुंच जाएगी। सोनिया है, मैं ललिता की मम्मी हूँ। मेरी 5 गुड़िया और एक लड़का है छोटा सा, और मेरी ललिता गुड़िया है वो डांस में आगे बढ़ रही है, डांस कर रही है, उसका सिलेक्शन हो गया, वो जाना चाहती है। मुझे लड़की उसे बहुत
मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास जुड़ी है, मैं उनको बहुत चाहती हूँ, उनकी हर इच्छाएं पूरी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाके कुछ अच्छा काम करें और हमारा नाम रोशन करें। और मुझे लड़कियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। मैं उनकी मम्मी बनके नहीं, उनकी फ्रेंड बनके उनके साथ देती हूँ, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती हूँ, उनका हर काम करती हूँ। वो मेरी भी सहायता करती हैं और वो मुझे बहुत चाहती हैं और वो मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया आगे जाके खूब अच्छे मुकाम पे पहुँचे और हमारा नाम रोशन करे और हमारी जो भी कोई मनोकामना हो, इच्छा हो, वो हमारी पूरी करे। जो मैं रसोई में कुछ भी काम करती हूँ या घर में कुछ भी काम करती हूँ, वो मेरे साथ काम कराती है और मेरी सारी गुड़ियाएँ बहुत अच्छी, मुझे लड़कियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं चाहती हूँ कि भगवान हर घर में लड़कियाँ जरूर हो और लड़कियों की बहुत ज़्यादा वो है, लड़कियाँ बिना कुछ भी नहीं होता। और मेरे एक लड़का है छोटा सा, वो भी बहुत ही प्यारा लड़का है। मैं चाहती हूँ सबकी सारी अच्छा सब पूरी होनी चाहिए। मैं किचन में भी अपनी मम्मी के साथ अपनी हेल्प कराती हूँ। मेरी मम्मी को जैसे कुछ भी काम हो किचन का, वो भी मैं उसमें मदद कराती हूँ। और घर का जो काम होता है वो भी हम कई बार साथ मिलकर कर लेते हैं, सभी मम्मी और मैं और मेरी दीदी, हम तीनों मिलकर काम कर लेते हैं। और मेरी मम्मी को हम कभी भी कोई चीज़ का एहसास नहीं होने देते, उनको हमेशा आगे रखते हैं। चीज़ स्कूल में भी हर चीज़ में हर उसमें वो आती है, इसकी कभी भी शिकायत नहीं आती। मैडम कहती है, मैं जब भी जाती हूँ उसकी फीस जमा करवाने, मैडम कहती है आपकी ललिता गुड़िया बहुत ही अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छा काम करती है और सारी मैडमों की चाहती बन के रहती है। और घर में अपनी बहन भाइयों को पढ़ाती है, इनके साथ खेलती है, इनको कभी डांटती नहीं, इनको प्यार से समझाती है और इनके साथ खूब इंजॉय करती है। किसने दम में इसमें पार्टिसिपेट किया तब हमें बहुत खुशी हुई और ये आगे गई, झज्जर गई, बहादुरगढ़ गई, जब हमें बहुत ही खुशी हुई। इसने कहा मम्मी मैं और भी आगे जाना चाहती हूँ, हमने इसका सपोर्ट किया और हम इसके साथ आगे बढ़े और इसमें आगे और भी आगे जाएगी और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं हर साल कोई ना कोई पोजीशन पे आती हूँ, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। और मेरी पढ़ाई को देख के मेरी मैडम बोलती हैं कि बेटा हमेशा आगे बढ़े रहो और हमेशा आगे करते रहो, कभी भी रुकना मत, रुकोगे तो आप अटक जाओगे, वरना हमेशा आगे बढ़ते रहो और आप जैसे इस मुकाम पर पहुँचे हो वैसे ही आगे और अच्छे मुकाम पर पहुँचा। नाम जिलेश सिंह है, मैं ललिता कुमारी का बड़ा पापा हूँ। ललिता कुमारी डांस अच्छा करती है, बढ़िया करती है, स्कूल में जाती है, स्कूल में भी डांस करती है, बढ़िया करती है, शादी में भी कहीं जाती है, मैं भी बढ़िया सा डांस करती है, उसका अच्छा नाम वो रखा है। तो ये ललिता कुमारी जब भी हमारे घर आती है, रिश्तेदारी में जाती है, कहीं भी जाती है तो अच्छा डांस करती है, बच्चों को इकट्ठा करती है, पढ़ाई भी अच्छी करती है, होशियार है क्लास में भी और डांस भी अच्छा करती है। हमें गर्व हुआ बच्ची पर
कि बच्ची आगे जाएगी हमारा नाम रोशन करेगी। ललिता कुमारी का हमें पता चला कि वो स्कूल से उसका सिलेक्शन हो रहा था और वो फाइनल में पहुंच चुकी है। बड़ी खुशी की बात हुई हमें सुन करके, बड़ा अच्छा लगा। और उसका जब भी डांस या टीवी में हम इंतजार करते हैं कब आए कब देखें, बड़ा अच्छा डांस करती है। भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि वह अच्छा डांस करे, अच्छी वो बढ़िया मुकाम पर पहुँचे। भगवान से यही प्रार्थना है। मेरा नाम रीना कुमारी है, मेरी छोटी बहन का नाम ललिता कुमारी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, वो डांस में आगे जा रही है। उसने किसमें कितना दम है सोम में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वह आगे जाकर जा रही ग्रैंड फाइनल में पहुंच गई है। इस बात की बहुत खुशी है कि वो आगे तक चली जाए। और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, उसके सारे टीचर उसकी तारीफ करते हैं। मुझे इस बात की बहुत प्राउड है कि मेरी छोटी बहन आगे जा रही है, ऐसे ही डांस करती है। वो है तो मेरे से छोटी, पर जब भी मुझे डांस करना हो तो मैं उसकी हेल्प लेती हूँ, मैं से अच्छा डांस करती है। जब भी मैं अपनी स्टडी को लेकर बैठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो बीच में आकर अपना डांस करने लग जाती है। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर हमारे दोनों की लड़ाई हो जाती है। पर वो फिर इन बातों को बुरा नहीं मानती, हमारी जल्दी हम मिलने लग जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा बड़ा भाई मेरी तरह से छोटी है और ललिता बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करती है, स्टडी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत अच्छी है स्टडी में। हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन में से भी बहुत आगे जाए, जीत के डांस में बहुत आगे जाए, पार्टिसिपेट करे और अच्छा डांस करे। मेरे जो स्कूल वाले और मेरे घर वाले मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से मैं इतनी आगे तक इस प्लेटफॉर्म तक आगे पहुंच चुकी हूँ। और मेरे घर वाले और मेरे टीचर तब तक सपोर्ट करते रहेंगे, मैं और भी आगे जाऊँगी और अपने घर वालों और स्कूल वालों का नाम रोशन करूँगी। जब भी मैं घर में मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं घर में अपनी डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कभी टीवी में, कभी टीवी देखकर, कभी फ़ोन देखकर, कभी वैसे करती रहती हूँ और खुद ही करती रहती हूँ। और पूरे दिन जब भी फ्री टाइम मिलता है नाचती रहती हूँ। मुझे KKSD शो बहुत अच्छा लगा, उसमें मैं आगे भी जाऊंगी और मेरा सपना है कि मैं आगे जाके और भी अच्छी डांसर बनूंगी। वहाँ पे जो मैं गई, जब मेरे को सर ने बताया कि आपकी बेटा इस चीज़ में गलती है डांस में, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। वरना मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि मैं डांस कैसा करती हूँ कैसा नहीं। अब सर ने मेरे को बताया कि मेरी गलतियाँ बताई और मैं उनको और सुधारने की कोशिश करूँगी, जिनसे मैं और अच्छी डांसर बन पाऊँगी। KKSD शो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो बच्चों के जो अंदर उनका हुनर है उसको आगे लेके जाता है और जो उनके अंदर क्वालिफिकेशन है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। छोटे भाई बहन है, इसका नाम परी है, इसका नाम मोनविशी है और इसका नाम भूमिका है। हम साथ में स्कूल में बैठ के सारे पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं और बाहर जाते हैं जब भी खेलते हैं, और डांसिंग भी एक साथ ही करते हैं सारे। और जो मेरे से छोटे भाई बहन है वो मेरे से इंस्पिरेशन लेके डांस करते हैं मेरे साथ। और क्या कहते हैं, जो मेरी छोटी वाली बहन है वो मेरे से कहती दीदी मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी ऐसे डांस करना है। और वो तो मेरे साथ दीदी चलो गाड़ी चलाएंगे डांस करेंगे, वो तो मेरे साथ बहुत करती है और ये सारे मेरे साथ डांस करते हैं। और जो मेरे भाई बहन है वो बहुत प्यारे हैं और ये मेरे से इन्हें कुछ भी नहीं आता स्कूल तो मेरे पास आ जाते हैं, दीदी पढ़ा दो हमें, और मैं इनको पढ़ाती भी हूँ और डांस भी करती हूँ और इन्हें डांस भी सिखाती हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी ढहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
बचपन से मेरे को ना डांसिंग का बहुत शौक है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर ना डांसर कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ, जैसे गीता माँ है ना, उनका नाम है वर्ल्ड में, वो फेमस है, वैसे ही मेरा नाम भी होना चाहिए और फेमस होना चाहिए। मैं अपनी एक अकेडमी खोलूँगी जिसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दूंगी, फ्री डांसिंग सिखाऊंगी और वो सोचे अपने आगे बढ़े और मेरा नाम बढ़े। जब से मैंने केडीजी शो में पार्टिसिपेट किया है, जब से मुझे सब जानते हैं और अब मेरी अलग ही पहचान बन चुकी है कि सब मेरे को पहचानते हैं और सब मेरे को जानते हैं कि मैं वो लड़की हूँ जो उस केडी शो में गई थी, केडी शो में गई थी और वहाँ से प्राइज जीत के लाई थी और मेरा अब एक अलग ही पहचान है। पहले जब मैं डांस करती थी स्कूल में करती थी या कहीं भी पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पर करती थी, अब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि इसमें कितना एकदम वहाँ पर मैंने डांस किया है और मेरे को एक अच्छा नाम बनाना है और वहाँ पर मेरे को शो में मेरे को सर ने बताया कि बेटा आप आगे तक जा सकते हो, आपके अंदर वो हुनर है। किसमें कितना एकदम शो वाले हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने हमें एक पैम्पलेट दिया था, उसके अंदर डांसिंग की मेरे को अच्छा लगा तो मैंने डांसिंग भी किया और वहाँ पे मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी व्हाट्सएप पे, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आगे तक गई और अब मैं आगे जाने की और सोच रही हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैं उससे आगे और आगे अच्छे अच्छे से मेरे सारे सिलेक्शन होते रहे और उससे आगे जाके मैं अब ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कृष्ण संचालक राव बहादुर सिंह सीनियर सेकेंड स्कूल यादव नगर रेवाड़ी हरियाणा 97 से स्कूल यहाँ चला रहा हूँ। मैं यहाँ स्कूल का संचालक हूँ और पूरी टीम हमारी बहुत अच्छे से स्कूल को रन कर रही है। तो अभी मेगा राउंड में देखो किसमें कितना है दम में ललिता ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ललिता ज़रूर उसमें पार्टिसिपेंट करती है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, एनुअल फंक्शन हो। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आगे और भी इसका अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा प्रदर्शन करें, इससे भाई स्कूल का भी नाम होता है, माता पिता का भी नाम होता है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जब सुना कि भाई इसमें अच्छा प्रदर्शन किया तो बहुत अच्छा लगा।
हम यही कहेंगे कि भाई बच्ची के लिए आशीर्वाद है, अच्छा प्रदर्शन करती रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि ललिता ने आज स्कूल का नाम रोशन किया है, एक फाइनल में पहुंची है बच्ची, तो उनके लिए शुभकामना। मैं किस में कितना है दम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ एक कंपटीशन करा करके और बच्चों को प्रोत्साहन किया, तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करूंगा और कामना करूंगा कि आगे बढ़े। मनीषा और राव बहादुर सिंह स्कूल में मैं मैथ्स की टीचर हूँ। ललिता हमारे स्कूल की काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही है, पढ़ाई के साथ साथ उसने बाकी चीज़ों में भी अपना दमखम दिखाया है। अभी किस में कितना है दम में उसने डांस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने हमारे स्कूल लेवल पे जो स्कूल में जो मेगा लेवल कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें सेलेक्ट होकर फाइनल राउंड में बढ़कर अपने पेरेंट्स के साथ साथ हमारे स्कूल का भी नाम रोशन किया है। पढ़ाई में टीचर्स उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि डांस में भी उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ हमें बेहद खुशी हुई उसकी सफलता से। उन्होंने स्टार्टिंग में अपने स्कूल से ही तैयारी करके एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज इस फाइनल राउंड पर वो पहुंची है, जिससे हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारे पूरे स्टाफ ने और ललिता के पेरेंट्स ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, उन सभी के सपोर्ट की बाद ही वो आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है। और हम बस अब यही दुआ करते हैं कि वो फाइनल्स राउंड में भी जीते और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का सभी का नाम रोशन करे। ललिता, आपने इस मुकाम पे पहुंचकर मैं राउंड क्लियर करके हमारे स्टाफ का, हमारे स्कूल का, सभी का नाम रोशन किया है। हम आपको बधाई देते हैं, इसके साथ साथ हम आपको बेस्ट विशेज देते हैं कि आप फाइनल राउंड में भी जीते और अपना भी और हमारा पेरेंट्स का सभी का नाम रोशन करें। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। बहादुर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल यादव नगर रेवाड़ी से हूँ। किस में कितना दम है इस शो में हमारी छात्रा 9th क्लास की ललिता फाइनल में पहुंच गई है। इसमें हमारे सभी छात्र और सभी टीचर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, टीचर के प्रति भी व्यवहार बहुत अच्छा है और हम आशा करते हैं कि ये आगे बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त करें। स्कूल में जितने भी इवेंट्स कराए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अभी बाल भवन में भी प्रोग्राम हुए थे, उनमें भी इसने बढ़ चढ़ कर डांस में भाग लिया था और इनके पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ इसको मोटिवेट करते रहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि ये ऊंचाइयों को छूए। स्कूल स्टाफ की तरफ से
और हमारी तरफ से हम बच्चे को ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये जीत कर आए और हमारे देश, हमारे जिले का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। हम किसमें कितना दम है, इनके स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चे के जो हिडन टैलेंट था उसको बाहर लाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की। हेलो, माय नेम इज चारुल। ललिता इज माय बेस्ट फ्रेंड। ललिता ना बहुत अच्छा डांस करती है। हमें कभी भी किसी भी डांस के बारे में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हमेशा ललिता के से पूछते हैं, या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम ललिता के वीडियोस देखते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी तरह बना रहे हैं। ललिता बहुत आगे तक जाए, ललिता बहुत अच्छा डांस करती है, इसको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिले हैं। बेस्ट ऑफ लक ललिता। थैंक यू। हेलो, आई एम आचिकी। माय बेस्ट फ्रेंड इज ललिता। हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं क्लास में, हम दोनों बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं चाहे वो डांस हो या स्टडी हो। आई एम प्राउड ऑफ हर। कोई भी कंपटीशन होता है स्कूल में उसमें ललिता पार्टिसिपेट करती है और हमेशा प्राइज जीत के लाती है। किसमें कितना है दम टीवी शो में ललिता फाइनल तक पहुंच चुकी है। हम यही दुआ करते हैं कि ललिता फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचे और हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। मेरा यही उम्मीद है कि बस मैं आगे जाके और भी अच्छा डांस करूं और जीत के आऊं और मेरे जो घर वाले और मेरे स्कूल वाले और मेरे मोहल्ले वाले और मेरे सिटी वाले मेरे पे प्राउड करें। थैंक यू। Bye bye, thank you.